अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं तब कहते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना देना, सारे देश भर में कहते हैं। मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षता मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंध करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है, जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं, हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से किरतपुर नहर चौक फोर लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मनली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदोर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोलसप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT ऊना में, विलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया और 66 मेगावाट का धोला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ IOCL ऊना में IOCL का डेपो बनाने का काम किया। शायद ही हमीरपुर लोकसभा बहुत छोटी है, देश में बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं मगर हमीरपुर जितना काम मित्रों कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का प्लानिंग, इसने पूरे हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सारे काम के कारण अनुराग को वोट मत दीजिएगा,
मैं कहता हूं मत दीजिएगा। अनुराग को वोट देना है, मगर ये सब काम और पीछे भी मैं गिनाता हूं, इसके कारण वोट मत दीजिएगा। मुझे बताइए पहले, हिमाचल वालों, यहां से घर घर से सेना में जवान जाता है, मुझे बताओ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे देवभूमि में, वीर भूमि में कहकर जाता हूं राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर, डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। क्या डराते हो राहुल बाबा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरते। आप संसद में भी डराते थे कि धारा 370 जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। राहुल बाबा, आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप कुछ नहीं करते। मोदी जी के समय में भी हुआ, उरी और पुलवामा में हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम। तब से लेकर ये आतंकवादी धमाका करना बंद कर,